धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, जैसे हम सिमरन पे बैठते हैं सात संगत जी, तो हमारा पहले फर्स्ट टाइम में मन नहीं लगता था, और सहनशाह वाली दान की बदौलत से सिमरन अब इतना गजब का लग रहा है, मन लग रहा है सात संगत जी, कि बस मन पीछे ही पीछे भागता रहता है। हमारे साथ तो पिताजी ने वो कृष्ण में कर रखे सात संगत जी, सिमरन से एक भावना से एक तड़प से। सात संगत जी सिमरन हम सब करते हैं, बट सिमरन में बैठ जाते हैं कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी कहीं गई, मन वो डराता रहता है, मन का तो काम यही होता है। पर सत्संग जी सहनशाह वाले धान के वचन है कि आप अगर तड़प से सिमरन करें, एक वैराग्य से सिमरन करें, अपने मौला को याद करके सिमरन करें कि मेरा मौला किस अवस्था में है, कैसे खाना खा रहा है, मेरा मौला किस टाइम रात को आएगा, कैसे हमारे पास सोएगा। हम कोई भी कार्य करते हैं अपने पापा के संग करें तो उसमें अलग सा एंजॉय होता है सत्संग जी। जैसे मैं अपने बताता हूँ सत्संग जी, जैसे मैं रात को सोता हूँ जब, तो मैं साइड में ऐसे ना अपनी जगह छोड़ देता हूँ, खाली जगह छोड़ देता हूँ। और रोज सोता होता मालिक याद में एक ही बात कहता हूँ, रात याद करता हूँ कि पापा तू कब आ रहा है और किस रास्ते से आ रहा है, पापा अब ये जल्दी आ जाना पापा, और आपने यहाँ सोना है। सत्संग जी जब हमें ऐसी भावना से सोएंगे तो रात को पिताजी सपने में हो ही नहीं सकता कि पिताजी ना आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास है, और दृढ़ विश्वास कभी डोल डामा डोल नहीं होता। और सतगुरु फिर आना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की अपनी उसे पता भी, तेरा बच्चा कैसा है, तेरा लल्ला कैसा है, वो तो हमेशा निहारता रहता है। हम नहीं पापा को निहारते, हम कम सिमरन देते हैं, हम कम टाइम देते हैं। तो सत्संग जी जितना भी हो सके तो सिमरन पे पापा बार बार कहते थे, बेटा तड़प से सिमरन करो, भावना से करो बेटा, अपन ये नहीं सोचना कि सिमरन ले लिया हमने, जैसे अखंड सिमरन चल रहा है और अखंड सिमरन के बाद सिमरन में बैठ जाते हैं, घंटा डेढ़ घंटा लगा देते हैं, ध्यान हमारा कहीं होता है। पहले 5 मिनट सत्संग जी अरदास लगाओ कि हे मेरे मौला, हे परवरदिगार, तू एक समुन्दर है, एक सागर है, उसमें से एक बूंद दे दे मेरे मौला, ताकि हमारी बुद्धि भी सही हो जाए, हमारी बुद्धि भी सही चले, और जिस रास्ते पे तू चलाना चाहे उसी रास्ते पे चला मेरे मौला, तू ही चलाएगा मेरे मौला, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तू बुद्धि का भंडार है रे, सिर्फ एक बूंद दे दे मेरे मौला। जब उस परवरदिगार से एक बूंद मांगेंगे, पता नहीं पिताजी क्या से क्या दे देंगे हमें, और कितना पिला देंगे। और सत्संग जो सिमरन करते हैं वो बहन भाई सब जानते हैं, वाले जान के साथ चल के अनामी में सफर करते हैं, अनामी गुफा की दौड़ लगाते हैं, सेंसा वाले जान पता नहीं सत्संग जी क्या से क्या खुआते रहते हैं, इतना माल, इतना जिसकी कभी भी सत्संग जी सोच भी नहीं सकते हम। कभी वाले जान ऊपर ले जाए, पता नहीं छत कहते थे ना पिताजी हमारे को, 13 वर्ष में कई बार कहते थे कि बेटा जब हम आप हमारे खाने के बारे में सोचते हो ना, तो हमारा भी जी चाहता है कि हम 36 प्रकार का भोजन उपलब्ध हो जाए आपके लिए। तो पिता ने कहा बेटा सिमरन करो और देखो। तो सत्संग जी ये भी हमें भाग्य मिला, ये इतना गजब का सौभाग्य मिला कि सत्संग जी हमने सिमरन किया, और सिमरन भी पिताजी ने करवाया सत्संग जी, गजब और तरफ भावना से करा सत्संग जी। सत्संग जी पिताजी ने डाइनिंग टेबल लगा दी और सहनशाह जी ने 36 प्रकार का भोजन ही कर दिया। हमें तो सत्संग जी कभी लाइफ में देखा भी नहीं था कि 36 प्रकार का भोजन होता क्या है, कैसे होता है, रूहानियत को कैसे महसूस किया जा सकता है। सत्संग जी पिताजी ने ही करवाया, कैसे महसूस किया जाता है। और सत्संग जी जो अनामी की एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, जैसे जो चीज पिताजी जो चीज देते है ना सत्संग जी, वो गजब की होती है, उसको खाया नहीं जाता सत्संग जी, ऐसे चबाया नहीं जाता। जैसे यहाँ सेब होती है, तो सेब होती है उसको हम बुड़का मारते हैं, तो उसको फिर जार से चबाते हैं, तो फिर उसमें उसका टेस्ट आबड़ता है सत्संग जी, फिर उसको खाते हैं चबा के, इसमें ऐसे नहीं खाया जाता। रूहानी तो उठाई और जैसे ही सेंसा वाले जो जानते हैं, और सिर्फ मुंह में जाती है और अमृत बन जाता है, इतना गजब का, अंदर से इतना आनंद आता है, इतना अनुभव होता है, और बेस्ट कैंड सूर्य परे, ऐसे लगता है मानो कभी लाइफ में कुछ भी नहीं खाया हो। और हाँ सत्संग जी ये बाकी 100% है, क्यों है 100% है, क्यों हमने सेंसा वाले जाने खुआ के देखा है, मेरे मौला ने वो रहमत बरसाई है, और ऐसी रहमत बरसाई सत्संग जी जिसकी कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। सत्संग जी मेरे मौला का पल पल गुणगान यही है, यही अरदास है मेरे मौला से के परवरदिगार जिस प्रकार हमारे ऊपर आपने रहमत बरसाई है, पूरी सत्संगत पे ऐसे ही रहमत बरसाओ सत्संग जी, और पिताजी बरसा रहे हैं। और जैसे भाई ने पूछा था अपने आर्य ने कि अपने जो सत्संग सिमरन कर रही है अपने जीन ब्लॉक के अंदर सत्संग जी, कुछ ही भाई सिमरन कर रहे थे पहला, आज उस पिताजी की बदौलत उस सहनशाह वाले जहान की वजह से इतने बहन भाई है सिमरन करते हैं, बहुत मजा आया। 3,000 लोग सिमरन करते हैं ब्लॉक के, मुझे इतना आनंद आता है कि हम जिस रास्ते पे चले, जो मौला ने जो हमारी ड्यूटी लगाई तो उन लोगों को गाइड कराया, आज उन बहन भाइयों को समझाया, और वो आज सिमरन करें सत्संग जी, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें घरों में आज अलग
हमारे साथ फोन पे बातें होती हैं, हमारे घर भी आते हैं, हम बैठ के इकट्ठे श्रवण भी करते हैं और ब्लॉग में जब हमारी नाम चर्चा होती है ऐसे डिस्कस करती होती रहती है, श्रवण करते हैं, वो भाई बताते हैं रात को पिता जाए थे ऐसे नजारे देखे, पापा जी ने ऐसे किया, पापा जी ने ये किया, हर बातें वो बताते रहते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी हमारा कहने का मतलब यही है कि आप श्रवण करो सत्संग जी, और हमारे कोई मान बढ़ाए नहीं कि आप लोगों ने रूहानी चीजें क्यों बता दी, जो समय ऐसा है सत्संग जी अगर हम नहीं बताएंगे, एक बहन भाई नहीं बताएगा तो बताएगा कौन, और हमारे इसमें कोई मान बढ़ाई से नहीं बताया कि नामी की बातें नहीं बतानी चाहिए। सहनशाह वाले जान पता नहीं सत्संग जी किस टाइम हेलीकॉप्टर उतार लेता है जब याद करते हैं, और ऐसे बिठा के ऐसे उडारिया भर देता है, और मेरा मोला अनामी के नजारे देता है सत्संग जी, वहाँ एक अलग से नजारा आता है सत्संग जी, वहाँ ऐसे वैसे इंसान तो कोई होता ही नहीं सत्संग जी, ना कोई वहाँ ऐसे कोई गाथी घोड़ा बेट बकरिया कुछ नहीं होता सत्संग जी, वाले जो जहाँ ही होते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फल भी उनके इतने बड़े बड़े लगे होते हैं, जिस प्रकार एक मान होता है इतने बड़े बड़े फल लगे होते हैं सत्संग जी, उस बागों में घूमने मजा आता है। सहनशाह जी आप खान अनामी के अंदर जब उन झरनों में नुहाते हैं सत्संग जी एक आनंद आता है, तो हमने पिताजी ने सुना था सत्संग देखा नहीं था, आज सहनशाह जी ने सब कुछ दिखा दिया सत्संग जी, कैसे जैसे ऊपर की बताता हूँ सत्संग जी। वालिद जहान पे हम श्रवण बैठे थे, वालिद जहान वहां ले गया सत्संग जी, और झरने चल रहे थे और सत्संग जी उनके अंदर नुहाना, अमृत की पिताजी कहते थे नदियां बहती है, हाँ सत्संग जी मैं कह सकता हूँ, ये एक पापी इंसान कह सकता है कि इस मोर प्रवधिकार ने उन नदियों को भी दिखाया है, उन अमृत वाली नदियों को भी दिखाया है। कहते पिताजी कहते थे बेटा अपना भी नहीं कर सकते सत्संग जी, वो नजारे दिखाए पिताजी ने अपने हाथों से नुहाना, कभी सोचा था सत्संग जी के पिताजी रूहानियत के अंदर सत्संग जी इतना बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, कभी सोचो आप जितने बड़े अभी 6 फुट के यहाँ 5 फुट के यहाँ ऐसे नहीं होता है पिताजी, बिल्कुल पिताजी के सामने हम बिल्कुल ऐसे बच्चे होते हैं सत्संग जी, और पिताजी अपने हाथों से नहलाते हैं सत्संग जी, कितना मजा आता है सत्संग जी। सत्संग जी अब तो कंटिन्यू चल रहा है रूहानियत, गजब की चल रही है, जब फर्स्ट टाइम में पिला था ना पिताजी ने, या जब अभी पिलाते हैं पिताजी, जब वो गिलास भर के ना अमृत का और जो नदी से पिलाते ना सत्संग जी, बस सामने वही नजारा आ जाता है कि मेरा मोला किस तरह से पिलाता कैसे पिलाता है, इतना मजा आता है जब अपने गोडों में बिठा के न और जब वो पिलाता ना सत्संग जी, जिंदगी तो बस पिताजी के चरणों में ही सत्संग जी कहीं नहीं है, ये 100% सच है सत्संग जी। आप तो जिंदगी जी रहे ना, ये कोई जिंदगी नहीं है सत्संग जी, ये क्या जिंदगी है, हम आने बस बच्चे थे जब अपने माँ बाप के संग रह गए, बड़े हो गए थोड़े है तो अपना जवान हो गए तो काम आश्रम बढ़ गया, बूढ़े हो गए तो अपना अलग सिस्टम बना लिया या काम धंधा बढ़ गया, जैसे ऐसे नहीं सत्संग जी, जिंदगी ये है जो पिताजी अब जुआ रहे हैं, ये जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है इसमें इतना इंजॉय है, ओहो बस पिताजी बेगमपुर का बादशाह बना देता है, किसी चीज की टेंशन नहीं है सत्संग जी, सहनशाह जी से जुड़े हैं, सहनशाह जी ने वो नजारे दे रखे सत्संग जी, किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। पिताजी कहते थे ना कि बेटा बेगमपुर का बादशाह बन जाता है जब मौला के दरसदार हो जाते हैं, तो सत्संग जी तीनों पाशाही होंगे और तीनों रूपों में ही करते हैं, सपने में भी और झलक में भी और साथ 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 भी, तीनों रूपों में करते हैं सत्संग जी, और ये सतगुरु की रहमत है सत्संग जी, जो सतगुरु कराता है, हमारी कोई बात नहीं है ना, हमारा इतना सिमरण है सत्संग जी, एक भावना है और तड़प भी यही बनाता है सत्संग जी, जो ये चाहता है वही होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता सत्संग जी, परमपिता परमात्मा जो चाहता है वही होता है, पर उसके चरणों में आप अरदास लगाते रहा करो, सिमरण किया करो, पापा रात को सपने में आ जाएगा, झलक में आ जाएगा या साक्षात आएगा, आपकी कितनी मेहनत करते हो, आप कितना सिमरण करते हो उसके मुताबिक आएगा सत्संग जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।